लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर इंतहाई मायूस नजर आ रहे थे और इनका ज्यादा वक्त अपनी नाकामियों की तफसीलात बताते हुए गुजरा। और पावर बैंक जो है जो एयर कंडीशन चलाती है वो सब नकार है। हमारे कम अज कम हर डिस्ट्रिक्ट पावर बैंक चाहिए और जिसमें से हमारे साथ 15-20 है जो वो भी आगे चल कर खड़ी हो जाती है। गुलाम अहमद बिलोर का कहना था कि रेलवे के पास सिर्फ 2 रोज का डीजल बाकी रह गया है। काबीना की मंजूरी के बावजूद वजारत खजाना रेलवे को पैसे नहीं देती। 11.5 बिलियन हमने गवर्नमेंट से मांगे रेलवे ने और कैबिनेट ने बड़ी तमीज के बाद वो मंजूर हो गए। 11.5 बिलियन मंजूर हो गए। अल्लाह की मेहरबानी से आज तक एक पैसा नहीं मिला। वजीर मौसूफ इतने मायूस थे कि उन्होंने रेलवे बंद होने की पेशगोई भी कर दी। ये कौमी डिजास्टर होगा और मेरे जो इसमें तकरीबन 1 लाख के करीब लोग सर्विस में हैं, उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और भोलपन में ये भी बता गए कि उन्होंने रेलवे जैसी मुश्किल वजारत क्यों ली। मैं तो बलदार कमी से मुझे मिली थी शुरू में, तो फिर हमने कहा कि नहीं, तो फिर मेरे प्रेसिडेंट ने जाकर ये महकमा लाल मुर्गे लेकर मैं और नहीं दे तो मैं फिर रेलवे ले लें, क्योंकि मेरा पुराना महकमा है और जो पुख्तून जो है ना खानी पे खुश होते हैं, रेलवे में खानी होती है, रेस्ट हाउस होते हैं, पुलिस अपनी होती है, इज्जत होती है, तो हमने कहा चल मैं ये चाहिए, तो हमने अब खोल लिए। कैसे वापस करूंगा, तो इससे बेहतरी होती है तो मैं कल वापस कर देता हूँ। वजीर रेलवे की शिकायत और शिकवे अपनी जगह, लेकिन ये बात वाजे न हो सकी कि वो 3 साल तक क्या करते रहे और रेलवे को तबाही से बचाने के लिए कोई किरदार अदा क्यों नहीं किया।